एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px देखिए जीरोस हमसे पूछा गया और जीरोस पूछा गया है किस पॉलिनोमियल के लिए उस पॉलिनोमियल के लिए जिसमें वेरिएबल x दिया गया हो अगर पॉलिनोमियल x वेरिएबल के लिए है इसकी मीनिंग x एक्सिस पर कितने कट हो रहे हैं क्योंकि x एक्सिस पर जितने कट होंगे उतने पर y जीरो होगा देखें अगर x एक्सिस पर हमने लिखा 2.2,0 देखें इसकी मीनिंग x एक्सिस पर तो 2 है और y एक्सिस पर 0 है y एक्सिस की मीनिंग px px 0 हो गया तो अब इसकी मीनिंग क्या है 2 इज द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल जो भी पॉलिनोमियल आपके क्वेश्चन किया जाएगा तो ठीक है इसी बेस पर हम इस एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को करने वाले तो फर्स्ट पार्ट पर देखते हैं क्या है भाई फर्स्ट पार्ट में कहा कि देखो अगर पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल के लिए है पी एक्स तो फर्स्ट जो डायग्राम दिया गया है फर्स्ट पार्ट में उसमें x एक्सिस पर कोई भी कट नहीं है कट कहाँ है y एक्सिस पर कट कहाँ है y एक्सिस पर है तो इसकी मीनिंग फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक भी जीरो नहीं है नंबर ऑफ जीरोस नील या जीरो एक भी जीरो सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया सेकेंड पार्ट में जरा देखें इस डायग्राम के बेस पर एक कट यहाँ हुआ है देखो x एक्सिस तो कितना हुआ जीरो ये आपसे कहा तो नहीं गया है लेकिन अगर ये पूछा गया होता कि पॉजिटिव या नेगेटिव तो एक जीरो जो है वो पॉजिटिव है थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में देखो एक कट तो यहाँ है एक जीरो ये हुआ दूसरा यहाँ है दूसरा जीरो तीसरा यहाँ है तीसरा जीरो इसकी मीनिंग ये जो थर्ड पार्ट है इसमें कितने जीरोज हो गए 3 जीरो और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव हैं तो भी आप इजीली बता सकते हैं क्या भाई एक नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव आप ये भी बता सकते हैं चलते फोर्थ पार्ट पर चलते हैं फोर्थ पार्ट में अगर देखें तो एक एक्स एक्सिस पर ये कट है दूसरा एक्स एक्सिस पर ये कट वो कट पर वाई जीरो वाई मीन्स पॉलिनोमियल जीरो क्योंकि पॉलिनोमियल का कोई एक्सिस नहीं हमने ये मान लिया है जो वाई एक्सिस है वो पॉलिनोमियल का एक्सिस और ये एक्सिस ठीक है तो पॉलिनोमियल जीरो हो गया कितने जीरोस बन गए इसमें 2 जीरोस और अगर आपसे ये पूछा जाए इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव की पोजीशन क्या है तो आप ये बता देंगे दोनों नेगेटिव फिफ्थ पार्ट देखते हैं कितने जीरोस हैं एक जीरो ये है एक जीरो ये है एक जीरो ये है और एक जीरो टोटल जीरोस कितने हो गए 4 जीरोस हो गए और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें 2 नेगेटिव हैं 2 पॉजिटिव ठीक है फिफ्थ पार्ट में देखें एक तो कट ये है एक जीरो ये हुआ दूसरा कट यहाँ है दूसरा जीरो तीसरा यहाँ है थ्री जीरो तो अगर सिक्स्थ पार्ट की बात करें तो ये 3 जीरो और अगर नेगेटिव पॉजिटिव की हम बात करते हैं जबकि ये पूछा नहीं गया है ध्यान दें नेगेटिव और पॉजिटिव का जो स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये पूछा नहीं गया है ये तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ 2 नेगेटिव हैं और 1 पॉजिटिव